नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि अभी हमारे पास जो फाइटर जेट है सुखोई 30 MKI, LCA तेजस और इसके अलावा राफेल फाइटर जेट भी इसी महीने आ रहे हैं, क्या ये 2040 के अंदर भी काम करेंगे? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की एक लंबी हिस्ट्री रही है कि वे पास्ट एज के भी फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते रहे हैं। स्पेशली इनको मिड लाइफ अपग्रेडेशन पैकेज भी दिया जाता है, इनकी क्षमता को बढ़ाया भी जाता है और ऐसे बहुत से एयरक्राफ्ट अभी भी काम कर रहे हैं जिनकी शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे हमारे साथ में हैं और हो सकता है कुछ एक फ्यूचर में भी हमारे साथ में हो। और दोस्तों, इसकी पूरी संभावना है कि सुखोई 30 MKI राफेल तेजस फाइटर जेट 2040 और इवन 2050 तक भी इंडियन एयरफोर्स के अंदर होंगे, जबकि उस समय वो टाइम होगा जब फिफ्थ जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक नॉर्मल बात होगी और सिक्स्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का भी प्रोटोटाइप आ चुका होगा। और इसका एक सीधा सा उदाहरण है MiG-21, जिसे हमने 1960 में खरीदा था और इसको अब 5 दशक पूरे होने को आए, लेकिन अभी भी ये इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर रहा है। और दोस्तों, कारण क्या है कि इंडियन एयरफोर्स के साथ में हमेशा ऐसा होता आया है कि वह अपने पूरे पोटेंशियल की तरफ कभी भी नहीं बढ़ पाई है? इसका रीजन है ब्यूरोक्रेसी, साथ ही आर्म्स प्रोक्योरमेंट जो आता है उसके अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो डिले होती रहती हैं। और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स को हमेशा ही रिस्टोर करना पड़ता है अपने एयरक्राफ्ट के मामले में। उन्हें कॉम्बैट रेडी रखने के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं। MiG-21 का अपग्रेड भी इसीलिए किया गया था, जिसे बाइसन अपग्रेड का नाम दिया गया था। इसके अंदर ग्लास कॉकपिट, रडार वार्निंग रिसीवर, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले ऐड किया गया था। और बाइसन अपग्रेड का कारण एक ये भी था कि जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम था बहुत ज्यादा डिले हो रहा था HAL के द्वारा, तो ऐसे में अपनी प्रिपेयर्डनेस को रखने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने यह कदम उठाया। और अभी दोस्तों, जो हमारे पास एयरक्राफ्ट सर्विस के अंदर है उनके अंदर सुखोई 30 MKI को सबसे नया माना जाएगा, क्योंकि इसे सन 2000 के अंदर इंडक्ट किया गया था और उस समय ये दोस्तों बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट था, स्पेशली विद इन विजुअल रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर। और दोस्तों, एक DACT एक्सरसाइज हुई थी, उसके अंदर सुखोई 30 MKI ने अपनी सुपीरियोरिटी को मेंटेन रखा था। इसने मिराज 2000 के ऊपर अपनी सुपीरियोरिटी को भी मेंटेन रखा था, क्योंकि इसका किल रेशो 1.41:1 था BVR रेंज के अंदर और 1.9:1 था इन विद इन विजुअल रेंज। और अभी इसके लिए भी मिड लाइफ अपग्रेड आ सकता है, जिसके तहत इसे सुपर सुखोई में बदला जाएगा और बहुत सी चीजों के अंदर बदलाव किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, पास्ट से इंडिया ने सीखा भी बहुत है और इंडियन एयरफोर्स को अब आगे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि राफेल फाइटर जेट जो है वो काफी लंबे समय तक चलेंगे, क्योंकि हम आज भी जगुआर और मिराज फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसी तरह से राफेल फाइटर जेट और ज्यादा नए हैं। सुखोई 30 MKI अपग्रेड हो जाता है तो इसके अंदर एक रियल अपग्रेडेशन शामिल होगा। इसको लिया ही इसी वजह से गया है ताकि MiG-21 को हमने अच्छी तरह से देखा था और उसके बाद देखा कि सुखोई 30 के अंदर काफी ज्यादा बदलाव हो सकते हैं, इसीलिए हम इसके अंदर ब्रह्मोस भी लगा रहे हैं और निर्भया मिसाइल का भी विचार है। और अब दोस्तों, हमारे खुद के फाइटर जेट हमने बनाने शुरू कर दिए हैं, तेजस का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, मीडियम वेट फाइटर उससे आगे आएगा और AMCA के ऊपर भी स्पीड बढ़ा दी है, तो ऐसे में अब इंडिया को शायद फॉरन फाइटर जेट की ओर नहीं देखना पड़ेगा। अगले 5 से 10 सालों के बाद में इंडिया इस क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।